हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा ड्रेस मेकर। और मैंने आज आपको बताने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन जो आपको दिखाई दे रही होगी, नेक डिज़ाइन जो कुर्ती और ब्लाउज किसी पर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बुकरम का कपड़ा लिया हुआ है, इस पर मार्क किया है। तो 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई और 4 इंच इसकी लंबाई रखी है। उसके बाद हाफ हाफ, ये देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है, फिर हाफ इंच मैंने लिया हुआ है और 1 इंच और फिर हाफ इंच। इसी तरीके से हमने यहाँ भी मार्क किए हुए हैं। तो ये बीच वाला 1 इंच है और साइड वाले दोनों हाफ हाफ इंच है। हम इसको 3 जो नेक हैं वो कटिंग करेंगे। तो देखिए चलो हमने ये कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी हम इसको भी कट कर लेंगे यहाँ से। चलिए तो फिर इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा एक नेक निकल कर आ गया है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा। अभी देखिए ये कट गए हैं, बुकरम पर मैंने काटे हैं ये तीनों। ये देखिए बुकरम पर तीनों कटे हुए हैं। तो अब हम इसको जो सबसे बड़ा वाला है इसको सेट करके रखेंगे। तो मैंने कपड़े पे सेट कर लिया है, अब हम इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है और हम इसको सेंटर में मार्क कर देते हैं। आपको बुकरम कपड़े पे सेट करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं इसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने ये पूरा कट करके अभी सूट पर सेट कर दिया है, जो हमारा नेक है कुर्ती पर। तो सेट कर दिया है उसको, और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, बुकरम पर नहीं लगानी है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम कपड़े पर रख के सिलते हैं तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है। अगर बुकरम पे लग जाएगी तो फिर गला अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए अब हम इसको मोड़ लेंगे, इसको कट करेंगे पहले, तो इससे जो इसका खिंचाव है वो ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे से कट लगा देने हैं और अब हम इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे किनारे पर। ये देखिए तो किनारे पर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं ये नेक रेडी हो गया है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने एक ये पेपर लिया हुआ है, तो इस पर मैं मार्क कर दूंगी। तो देखिए मैंने मार्क करके इसको कट कर लिया है, ये निकल के आ गया। अभी हम इस पर क्या करेंगे, ये डोरी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो इस डोरी को 1 इंच जो नेक है तो हम इसको 1.5 इंच डोरी कट करेंगे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा कट रहेगा तो सही रहेगा। तो 1.5 इंच की हम ये जो डोरी है इसको 1.5 इंच के ऐसे करके कट कर लेंगे। अभी हम इसको साइड साइड से ऐसे लगाते जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मैं आपको लगा के भी बताती हूँ। ये देखिए ऐसे ही हमें बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल लगे लगे सटे सटे लगा देना है बराबर ही। और ध्यान रहे कि ये हम पहले सिलाई आगे की तरफ से ही लगाएं, अंदर की तरफ से बाहर बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ले लेके हमें बिल्कुल सही से रखना है, उसको मुड़ना नहीं है। अगर मुड़ता है तो थोड़ा ठीक कर लेना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें पूरी नेक में छोटी छोटी जो पट्टियां हैं डोरी है जैसा, तो इसको लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए। ये देखिए अभी इसी तरीके से हम पूरी नेक में ये जो डोरी है इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो देखिए ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल सटीक, ये नहीं कि हमें दूर लगाना, बराबर बराबर करके सबको रख रख के ऐसे ही हल्के हाथ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अब हमारा ये जो डोरी है वो पूरा लगने वाला ही है।
इस तरीके से ये देखिए ये लग चुका है। अब हम बाहर की तरफ से इस पर धीरे धीरे रख रख के बराबर बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। इस ध्यान रहे कि सिलाई बहुत ही सावधानी से लगानी है, कोई भी पट्टी मुड़नी नहीं चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। तो हम इसको बिल्कुल ही किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस पर, और बिल्कुल ध्यान देते हुए कोई खिंचाव ना आए इसमें। इस तरीके से ये देखिए ये पूरी सिलाई अभी ये जो नेक है बीच वाला सेंटर का वो रेडी है लगभग। अब हम इस पर जो अंदर वाला था तीसरा नेक उसको सेट करेंगे। तो उसको हमें क्या है थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो इसको भी उसी तरीके से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, और कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि इसको दोनों साइड मोड़ना होगा। तो मैंने थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको उसके शेप में ही कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ से भी कट किया है। अब हम बिल्कुल ही इसको नेक को मोड़कर और उस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए ये रेडी हो गया नेक। अब ये साइड में जो लगा हुआ है इसको ही इसके ऊपर रख के सिलना है। पहले मैं इसको सेंटर मार्क करूँगी, क्योंकि सेंटर ना मार्क करने की वजह से फिर नेक इधर उधर हो जाएगा और वो सही नहीं बनेगा। इसलिए बीच में मार्क ज़रूर लगाना है, या फिर आप जैसे भी कट करना चाहें या कुछ भी वो कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको पहले ऐसे रख लेंगे, और बिल्कुल किनारे पर ही हमें इसको सिलाई लगानी है उसके बुकरम वाले हिस्से में। आप चाहे दोनों साइड बुकरम लगा सकते हैं, पर मैंने एक ही साइड लगाई हुई है बुकरम। ये देखिए तो मैंने ये नीचे की तरफ का था उस पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से अब हमें नेक को मोड़ते जाना है, ऐसे पलट के मोड़ के उसके ऊपर बिल्कुल, और नीचे की जो सिलाई है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो उसको दबाते हुए इस तरीके से कर लेंगे। इसको अंदर की तरफ सही से सेट करना है नेक को, जिससे बिल्कुल भी उसमें मोड़ या कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि ये, बिल्कुल सावधानी से करना है यहाँ पर बहुत ही। तो देखिए धीरे धीरे आप करिए, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, आप आराम से इस जगह पे करना। और चाहें तो बुकरम का गला आगे की तरफ भी सेट कर सकते हैं, पर मैंने पट्टी लगा दी है इसकी। देखिए ये नेक रेडी है इधर जो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये नेक को देखिए ऐसे इस गले पे रख के यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई किनारे पर ही दोनों को जॉइंट करते हुए लगा देनी है। तो देखिए आप देख सकते हैं अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए धीरे धीरे इस पर सिलाई लग रही है, बिल्कुल किनारे से लग जाएगी सिलाई इसकी। ये देखिए बिल्कुल ही किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, ज़्यादा बीच में नहीं लगाना, नहीं तो वो ख़राब लगेगा, नेक हमारा ख़राब दिखेगा, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल किनारे पर ही हल्की हल्की सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है, बस सीधे सिलाई लगा देना है। वो थोड़ा इधर क्या है, डोरी भी हैं, ये पट्टियाँ भी हैं, और नेक का बुकरम भी है, तो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, पर आप धीरे धीरे कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए नेक बन के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप ऐसा नेक कुर्ती पर, ब्लाउज पर, किसी पर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।
और सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पर नए हैं। धन्यवाद दोस्तों।